आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा, मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, दिल्ली व गुरुग्राम के बाद अब रेवाड़ी की हवा भी खराब होने लगी है। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी दीपावली के बिल्कुल तुरंत बाद, अब रेवाड़ी की हवा में भी जहर घुलना शुरू हो गया है। यूं कहें तो हवा प्रदूषित हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो कि जो बीमार लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी कही जा सकती है। रेवाड़ी में AQI का जो इंडेक्स है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसकी बात कर ले तो औसतन 299 दर्ज किया गया है, जो कि खराब स्थिति में है। और कहीं ना कहीं जो सामान्य स्थिति होती है 0 से 50 की, उससे कहीं ज़्यादा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। हम जब इस न्यूज़ को हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी हालात इतने खराब है कि कहीं ना कहीं आंखों में एक जलन सी महसूस हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि जो सुबह से ही जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कितना खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो प्रोसीजर्स हैं, जो तो मानक स्टैंडर्ड्स हैं, वो शायद अपनाने होंगे ताकि इस जो बढ़ती जो जहर है हवा में उस पर कंट्रोल किया जा सके। हम एक ये भी दिखाएंगे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि लाइव दिखाई दे रहा है आपको। आप हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है इस पर आप देख सकते हैं हरियाणा में धारूहेड़ा, क्योंकि रेवाड़ी में केवल धारूहेड़ा में जो प्रदूषण मापक यंत्र है, वो मशीन है जो वहां पे लगी हुई है धारूहेड़ा नगर पालिका के पर 5/11/2024 आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे का यहाँ पे समय दिखा रहा है। और देखिए जो रेड कलर है, ये रेड कलर कहीं ना कहीं बेहद खतरे की घंटे। देखिए 303, 312, 331, 348, 333, 382 ऐसे में समझ सकता है कि जो मैक्सिमम आप इस पॉइंट से दिखा सकते हैं, जो 382 यहां पर दिखाई दे रहा है मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया गया है आज के दिन 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्थिति में दर्ज किया गया। आप लगातार जो रेड बॉक्सेज आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी और बता रहा है कि जो रेवाड़ी की हवा है, धारूहेड़ा की हवा है, कहीं ना कहीं बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं एवरेज जो हम बता रहे थे कि एवरेज 299 मैक्सिमम जो एवरेज निकाला जाता है वो 299 है, वहीं जो मिनिमम जो न्यूनतम जो श्रेणी है वो 69 था, लेकिन आप समझ सकते हैं 382 मैक्सिमम जो इसकी रेंज थी वो 382 तक पहुंचा। और ये जो हम बता रहे हैं PM2.5, क्योंकि जो प्रदूषण की मात्रा मापी जाती है तो PM2.5 और PM10 के पर्टिकुलर मैटर जो होता है, और 10 की जो साइज है जो धूल के कारण, तो उनको बताता है। आप समझ सकते हैं जब सुबह का समय तो यहाँ पर पीला दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं सही स्थिति, लेकिन जैसे दिन चढ़ता गया लगातार उसके बाद आप समझ सकते हैं येलो बॉक्स ये बनते चले गए। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि अब भी 352 की जो, क्योंकि ये लाइव जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाइव यहां पर चलता रहता है, लाइव जो पोजीशनिंग होती है आखिर क्या स्थिति है वो दिखाई देती रहती है। अब आपको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो आज का दिन है 5 नवंबर, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और भी अपने साथी को कहेंगे दिखाएंगे कि आखिर इसके मायने क्या है। देखिए आप समझ सकते हैं 0 से 50 आप इसको समझ सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड ग्रीन है, तो गुड क्वालिटी मतलब बेहतर स्थिति में कहा जा सकता है, लेकिन जैसे ही 51 से 100 की श्रेणी में पहुंचे सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक श्रेणी में कहा जा सकता है, ग्रीन थोड़ा कम हो गया मतलब ग्रीनरी पर इफेक्ट पड़ा है। माइनर ब्रीथिंग डिसकंफर्ट टू सेंसिटिव पीपल मतलब यहाँ हल्का सा आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं 101 से 200 मतलब मॉडरेट स्थिति में काम चल सकता है। येलो सिंबल इसको हम इंडिकेट करते हैं, संकेत से बताते हैं कि येलो इसका सिंबल होता है, पीला सिंबल होता है ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल विद द लंग्स अस्थमा एंड हार्ट डिजीज। जिन लोगों को अस्थमा का इश्यूज है, अस्थमा की बीमारी है, या फिर फेफड़ों की बीमारी है, या हृदय रोग हार्ट डिजीज है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी यहां से शुरू हो जाती है जब कंडीशन 101 से 200 पर पहुंच जाती है। अब बात जो कि हम रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में आज 299 दर्ज किया गया है, अराउंड 300 कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है, जो कि पुअर स्थिति कही जा सकती है। और ये आप देखिए किस तरह से यह एक भगवा कलर सा दिखाई दे रहा है, ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द मोस्ट पीपल इन द प्रोलोंग एक्सपोजर। इसमें कहना कि यहां तक जब हम 101 से 200 की बात कर रहे थे उसमें जो हार्ट के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, लंग्स के पेशेंट है, उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब हम आते हैं 201 से 300 तक, जो कि रेवाड़ी की धारूहेड़ा की स्थिति है, उसमें तमाम वे लोग जो यहां पर घूम रहे हैं टहल रहे हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। बीमार तो ऑलरेडी परेशान है लेकिन यहां पर आम आदमी भी परेशान होने लगता है, और उसमें ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट, ज्यादा लंबे समय तक इस तरह की हवा में रहने से
सांस में लेने में दिक्कत होती है, ऐसे में बचना बेहद जरूरी है। अब अगला स्थिति बता दे, जब 301 से 400 पर पहुंचता वेरी पुअर, बहुत खतरनाक स्थिति यहां पर हो जाती है। रेस्पिरेटरी लेस ऑन द प्रोलोंग, यदि लंबे समय तक रहे बेहद ज्यादा यहां पर सांस की दिक्कत हो सकती है। और यदि सीवर कंडीशन, सीवर कंडीशन बेहद 401 से यदि 500 तक जाता है तो वो सीवर कंडीशन कही जाती है। तमाम जो बेहद हेल्दी लोग हैं, पूरी तरह से स्वस्थ लोग हैं, उन पर भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ सकता है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से जो दीपावली के बाद अमूमन बात की जाती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हम रेवाड़ी की बात कर ले तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में केवल एक जगह पर ये प्रदूषण मापक यंत्र मशीन लगाई गई है, वो भी धारवेड़ा मुसी के। यहाँ पर वही रेफरेंस मानकर चल रहे हैं कि धारवेड़ा में 299, आप समझ सकते हैं किस तरह से ये आंकड़ा 299 का यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई दे रहा है। और ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस धारवेड़ा रेवाड़ी और ये हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है। PM2.5 वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है। 5 नवंबर 2024 10 बजे का समय है और आप देख सकते हैं किस तरह से रेड बॉक्सेज हैं। रेड बॉक्सेज इंडिकेट करते हैं कि आखिर किस स्थिति में रेवाड़ी, यूं कहें तो धारवेड़ा की हवा कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। अब देखिए 282 जो कि मैक्सिमम इंडिकेट किया गया, 282 कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। ऐसे में समझ सकते हैं कि अब जो सरकार के अलावा की बात करें जो कि हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, उनके अधिकारी को कहीं ना कहीं चेतना होगा, आम आदमी को चेतना होगा, ताकि जिस तरह से जो हवा में जहर घोलने का काम चल रहा है उससे बचा जा सके। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली अमूमन रडार पर रहता है दीपावली के टाइम पर। बात की जाती है कि पराली को जलाया गया की वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ा, लेकिन इसके अलावा भी तमाम कारण हो सकते हैं। बात भी करते हैं कि जैसे अब रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी की तमाम जो सड़कें आप चारों ओर देख सकते हैं कि चारों ओर कहीं ना कहीं गंदगी देखी जा सकती है। जो डिवाइडर होता है उसके दोनों तरफ मिट्टी उड़ती हुई देखी जा सकती है। ऐसे में जैसे मिट्टी हवा में जाएगी तो कहीं ना कहीं PM2.5 और PM10 होता है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जब वो सांस के से हमारे बॉडी के अंदर जाएगी कहीं ना कहीं बेहद नुकसानदेह होगी। ऐसे में तमाम जो मशीनरीज है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको एक्टिव होना होगा, आम आदमी को भी एक्टिव होना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी सभी की है, ताकि एक फंडामेंटल राइट कहा जा सकता है, मूल राइट अधिकार कहा जा सकता है कि सबको स्वच्छ हवा मिले, उसके तमाम लोगों को प्रबंध करने होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रबंध करना होगा और कहीं ना कहीं आम लोगों को भी जागरूक होना होगा।